Subscribe to ADA247 YouTube channel and press the bell icon for all the updates on latest videos. Hello everyone, good morning and welcome back to the 247. My name is Sonu and this is your daily current affairs show. So, आज का हमारा जो show होने वाला है उसमें हम कुछ important questions के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं. Session को शुरू करते हैं उससे पहले यहाँ पर जितने भी लोग आ चुके हैं, अगर आप सब ready हैं तो यहाँ पर आप comment section में yes ma'am लिख सकते हैं. उसके बाद हमारा आज का सेशन हम शुरू करेंगे. अगेन आज आपका एक और क्लास होने वाला है जो मैं आपको दो दिन से बताती आ रही हूँ. 4 PM पर होने वाला है आपका एक क्लास जिसमें हम करंट अफेयर के क्वीज करने वाले हैं. फर्स्ट से लेकर 10th May तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर हम कवर करेंगे. तो आपको वो सेशन भी देखना है. तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट स्लाइड क्या है. सो योर सक्सेस इज़ फाउंड इन योर डेली रूटीन. आप जैसे अपना पूरा दिन स्पेंड करते हैं वो डिसाइड करने वाला है कि आपका एग्जामिनेशन क्लियर होगा या नहीं होगा. आपके पास 24 आवर्स हैं, हर स्टूडेंट के पास 24 आवर्स ही हैं, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाते हैं क्योंकि उनका जो डेली रूटीन होता है वो बाकी बच्चों से थोड़ा डिफरेंट होता है. तो आपको अपना पूरा दिन जो है उसको ढंग से मैनेज करना है, ढंग से अपना टाइम इन्वेस्ट करना है और कुछ डिफरेंट करना है. ठीक है, तो अपना जो हर आपके लिए कोई संडे नहीं होता, कोई सैटरडे नहीं होता है. हमेशा से मैं ये बोलती हूँ क्योंकि आपको पता है आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कॉलेज में नहीं हैं इस टाइम पे कि आपके लिए सैटरडे संडे होंगे. तो आपको हर दिन अपना 100% देना है. डजंट मैटर कि वो एक गवर्नमेंट हॉलीडे है या फिर वो एक संडे है. तो आपको हर दिन अपना 100% देना है जब तक आपका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो जाता. तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. देखो यहाँ पर जितने भी लोग आ चुके हैं सेशन को यहाँ पर लाइक कर सकते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ प्राइवेट सेक्टर लैंडर दैट इज यस बैंक बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज RBI. RBI ने यस बैंक के बोर्ड में किसको अपॉइंट किया है. ABCD ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर हो सकता है. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू जिसका आपको यहाँ पर आंसर करना है. सो यहाँ पर देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर गांधी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. अब यहाँ पर जो हमारे सामने बात हुई है वो किसकी बात हुई है. यहाँ पर जो बात हुई है वो ही है यस बैंक के बारे में. सो इट्स हेडक्वार्टर इज इन मुंबई. यस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है. अगर आपसे चेयरमैन पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे यहाँ पर. सुब्रह्म दत्त जो है वो क्या है, चेयरमैन है. किसके चेयरमैन है यहाँ पर, यस बैंक के चेयरमैन है. अगेन अगर आपसे पूछा जाता है हु इज़ द MD एंड CEO, देन रवनीत गिल इज़ द MD. रवनीत गिल जो है वो MD CEO है. किसकी MD CEO है, यस बैंक के MD CEO है. अगेन आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द टैगलाइन ऑफ यस बैंक. अगर आपसे टैगलाइन पूछा जाएगा सो एक्सपीरियंस योर एक्सपर्टाइज, ये इसका टैगलाइन है जो हमें पता होना चाहिए. अब यहाँ पर आपको अगर पता हो यस बैंक से रिलेटेड एक न्यूज़ चल रहा था, वो क्या न्यूज़ था. RBI एक लिस्ट निकालता है मोस्ट वैल्यूबल बैंक्स की. तो RBI ने मोस्ट वैल्यूबल बैंक्स की लिस्ट निकाली थी, उसमें यस बैंक कितने रैंक पर आता है, 10th spot पर आता है. अभी यस बैंक जो है उसमें काफ़ी लॉस में चल रहा है यस बैंक, जिसकी वजह से वो 10th spot पर आता है. इससे पहले जो लिस्ट आई थी उसमें 7th spot पर था. तो अभी उसका जो रैंक है वो कम हो गया है मोस्ट वैल्यूबल बैंक की रैंक में. अगेन जो इस लिस्ट को जिस बैंक ने टॉप किया था वो कौन सा है, HDFC बैंक है. सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड पता होनी चाहिए. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. सो विच डे इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज. आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज जो है वो किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है. ABCD ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर है. आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में इस आंसर के साथ में इसका थीम भी बताना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज जो है इसका थीम क्या रहा था. सो देखिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 15th May. ओके सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना है व्हाट इज द थीम. सो फैमिलीज एंड क्लाइमेट एक्शन, फैमिलीज एंड क्लाइमेट एक्शन इज द थीम ऑफ व्हाट इंटरनेशनल फैमिलीज डे, ये हमें पता होना चाहिए. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. इंडियन नेविस फर्स्ट फुल फ्लैश सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन विच सिटी. देखो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो है SSB,
इससे पहले कुछ और SSB जो है उनको इनोग्रेट किया जा चुका है, 4 SSB इससे पहले थे, अभी जो है ये 5th है। लेकिन फुल फ्लैश अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो पहला है अपने टाइप का। ये कहाँ पर इनोग्रेट किया गया है ABCD ऑप्शन में से, दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ कोलकाता। अब कोलकाता यहाँ पर जो है आपको पता होना चाहिए जहाँ पर इनोग्रेट किया गया है SSB। ओके, अब यहाँ पर जो हमें पता होना चाहिए वो क्या है, हमारे नेवी चीफ कौन है। सो सुनील लांबा क्या है नेवी चीफ, एडमायरल सुनील लांबा, ये हमें पता होना चाहिए। अगेन यहाँ पर कोलकाता की बात हुई है तो हमें क्या पता होना चाहिए, रिलेटेड टू द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर अभी कौन है, ममता बनर्जी हैं। और अगर आपसे यहाँ पर गवर्नर पूछा जाएगा सो आप यहाँ पर क्या आंसर कर देंगे, केशरीनाथ त्रिपाठी जो हैं वो गवर्नर हैं। कहाँ के गवर्नर हैं, वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, ममता बनर्जी हैं। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट स्पेशल ऑपरेशन डिवीज़न कमांडर, इनमें से किसको स्पेशल ऑपरेशन डिवीज़न कमांडर बनाया गया है ABCD ऑप्शन में से। यहाँ पर हमारा क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर हो सकता है, दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। अगेन यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है हु इज़ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है दैट इज़ बिपिन रावत, वो कौन है, हमारे आर्मी स्टाफ के चीफ हैं। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है मेजर AK ढिंगरा। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रख लेनी थी। अगेन आपसे यहाँ पर आर्मी के चीफ पूछे जा सकते हैं, जो मैंने आपको ऑप्शन नंबर ए बता दिया है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। होलसेल प्राइस इंडेक्स दैट इज़ WPI, काफ़ी बार बैंकिंग एग्जामिनेशन में WPI का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। सो आपको याद रखना है होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन फॉर अप्रैल 2019 हैज़ बीन ईज्ड टू व्हाट परसेंट फ्रॉम 3.62% इन अप्रैल 2019। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है, जो हमारे डेली यूज़ में जो हमारे वेजिटेबल्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर जो आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन रेट था कब, अप्रैल 2018 में, वो कितना था, 3.62% था। लेकिन अभी क्या हो गया, वो इन्फ्लेशन कम हो गया है। तो कम होकर 3.62% से कितना हो गया है, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज़ 3.07%। अब जो आपको याद रख लेना है अप्रैल 2019 के लिए, वो आपको 3.07% याद रखना है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द हाउसिंग फाइनेंस मेजर दैट हैज़ पार्टनर्ड विद द IMGA, दैट इज इंडिया मोर्टगेज गारंटी कॉरपोरेशन। सो IMGA के साथ कौन से हाउसिंग फाइनेंस ने यहाँ पर एक अग्रीमेंट साइन कर लिया, एक पार्टनरशिप कर लिया है। ABCD ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। देखिए यहाँ पर आपको जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है वो HDFC बैंक से रिलेटेड नहीं है, आप इसको HDFC बैंक से रिलेट मत करना, इट इज़ अ डिफरेंट कंपनी। ओके, सो यहाँ पर जो अगेन हमारा जो करेक्ट आंसर है वो भी क्या है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज़ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ओके, सो HDFC का मतलब क्या है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है यहाँ पर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर क्लास ऑफलाइन होने के बाद बता सकते हैं हु इज़ द MD & CEO ऑफ HDFC लिमिटेड, इसके MD CEO कौन है। HDFC बैंक के नहीं बताने, HDFC लिमिटेड के बताने हैं आपको। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक लॉन्च द विजन 2021 फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया, यानी इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स को वहाँ पर प्रमोट करने के लिए और कैश जो हम कैश यूज़ करते हैं उसको कम करने के लिए, ये विजन 2021 जो है वो किस बैंक ने शुरू किया है। अगेन यहाँ पर वर्ल्ड बैंक नहीं हो सकता है, ADB नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडिया की बात हो रखी है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए आज के सेशन में आपके मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो आपको लिए ये सारे जो क्वेश्चन है पढ़ना यहाँ पर जरूरी है स्लाइड। सो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है, इंडियाज ओवरऑल एक्सपोर्ट इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट, इंडिया का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो कितने परसेंट इंक्रीज हो गया है ABCD ऑप्शन में से। देखो काफ़ी बार कन्फ्यूज़न होता है हमें नंबर्स के, जहाँ पर भी हमसे नंबर से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है, लेकिन अगर आप इसका रिवीजन करेंगे तो आपको ये नंबर्स भी याद हो जाएंगी। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज़ 1.34%।
सो आपको यहाँ से क्या याद रखना था, 1.34% आपको याद रखना था वो क्या है, इंडिया का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब होता है इंडिया से किसी दूसरी कंट्री में जो हमारे यहाँ से प्रोडक्ट्स जा रहे हैं वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। जब इम्पोर्ट इंक्रीज होता है, देखो इम्पोर्ट अगर इंक्रीज हो रहा है और एक्सपोर्ट अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बुरा होता है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट कंट्री का ज़्यादा है और इम्पोर्ट कम है दैट इज़ द गुड थिंग। उसको क्या बोला जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोला जाता है, अगर आपको पता हो इकोनॉमी में उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, दैट इज़ एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, इट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये चीज़ यहाँ पर हमें पता होनी चाहिए थी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which country has signed the Christchurch Coal to Action and Agreement in Paris? Paris में ये agreement किस country ने sign कर लिया है? आपको पता है अभी चर्च वगैरह जो हैं उसमें काफ़ी terrorist attack होते हैं, तो उसी से related एक agreement यहाँ पर sign हुआ है। A, B, C, D option में से यहाँ पर क्या correct answer हमारा हो सकता है? So यहाँ पर देखिए जो हमारा correct answer है वो option number C है, that is India। यहाँ से आपको क्या याद रखना था, इंडिया यहाँ पर याद रख लेना था। अब यहाँ पर देखो ये जो पूरा मीटिंग हुआ ये हुआ कहाँ पर था, ये जो अग्रीमेंट साइन हुआ ये पेरिस में साइन हुआ था, तो पेरिस जो है वो कहाँ की कैपिटल है, फ्रांस की कैपिटल है। अगेन हमें पता होना चाहिए यहाँ पर एमैनुएल मैक्रोन जो है वो क्या है, फ्रांस के प्रेजिडेंट हैं। सो दिस वॉज अ थिंग जो आपको यहाँ से पता होनी चाहिए थी। इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था यहाँ पर, तो अजय प्रकाश जो हैं, आपको नाम याद रख लेना है, अजय प्रकाश जो हैं उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था यहाँ पर पेरिस में। यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, उन सब के हेड्स ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था इस पूरे अग्रीमेंट में। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द जॉइंट एक्सरसाइज कैरिड आउट बाय द इंडियन आर्म फोर्सेज, दैट इज इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स इन अंडमान एंड निकोबार। अभी एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई है, आपसे एक्सरसाइज से रिलेटेड मैं पूरे स्टैटिक के ऊपर एक क्लास कर चुकी हूँ, उसमें मैंने पीछे तक की आपकी सारी एक्सरसाइजेस कवर करवा दी थी इस एक्सरसाइज को छोड़ के, ठीक है। तो आप बाकी एक्सरसाइजेज जो हैं उस क्लास में से कवर कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है वो एक एक्सरसाइज का नाम पूछा जा रहा है जो क्या है, बुल स्ट्राइक है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है बुल स्ट्राइक का नाम, अगेन आपसे वेन्यू भी पूछा जाएगा, तो वेन्यू आप क्या बता देंगे, अंडमान एंड निकोबार, जहाँ पर एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई है इंडियन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स की। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर आप क्या बता सकते हैं मुझे लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड, आप जो भी हमारे तीनों हैं, इंडियन आर्मी है, नेवी है, इन सब से रिलेटेड जो इनके हेड्स हैं उनके नाम जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, नेम द मिशन टू मून दैट इज सेट टू बी अचीव्ड बाय नासा इन द ईयर 2024। तो नासा ने एक मिशन सेट किया है मून के लिए, उस मिशन को कब तक अचीव करना है नासा को, 2024 तक अचीव करना है। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट मिशन, उस मिशन का यहाँ पर क्या नाम है, ए बी सी डी ऑप्शन में से। सो द दैट नेम इज़ आर्टमिस, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है हु इज़ द रिसेंटली अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा, तो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर का क्या नाम है, जिम ब्रेडस्टीन, जिम ब्रेडस्टाइन जो हैं वो क्या हैं, नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए थी। आपसे डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा दैट इज़ NMCG, HCL फाउंडेशन एंड इनटेक साइंड एन MOU फॉर प्लांटेशन ऑफ रुद्राक्ष। रुद्राक्ष जो होते एक टाइप के ट्रीज होते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है इन तीनों में जो अग्रीमेंट साइन हुआ है इसके बाद ये प्लांटेशन जो होने वाला है कौन से स्टेट में होगा। सो द प्लांटेशन विल टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ए बी सी डी, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। और यहाँ पर देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज़ उत्तराखंड। सो ये प्लांटेशन ऑफ रुद्राक्ष जो होने वाला है ये ट्रीज़ कहाँ पर लगाए जाएंगे, यूके में लगाए जाएंगे। अब यूके जो हैं सीएम मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ, त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब आपको चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर के अलावा यहाँ पर कुछ फैक्ट्स पता हैं तो भी आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हैं यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं एंड द गवर्नर इज़ बेबी रानी मौर्य, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए था।
यहाँ पर यूके से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सर्टिफैक्ट पता है या लाइक वहाँ पर जो भी रिवर्स हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि आपका सर्टिफैक्ट स्ट्रॉन्ग हो और यहाँ पर जो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स पढ़ेंगे उन स्टूडेंट्स का भी ये सर्टिफैक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Who has become the first woman in the world to cross the Atlantic Ocean solo in the LSA, that is light sports aircraft? तो एयरक्राफ्ट में अकेले पूरे वर्ल्ड में अटलांटिक ओशन को क्रॉस करने वाली पहली वुमेन कौन बन गई हैं? अगेन शी इज़ फ्रॉम मुंबई, वो मुंबई इंडिया से बिलोंग करती हैं। ए बी सी डी ऑप्शन में से जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है, आपको यहाँ पर जो नाम याद रखना है वो आरोही पंडित का नाम याद रखना है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रख लेनी है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विच इज़ रिलेटेड टू द स्टैटिक अवेयरनेस। स्टैटिक अवेयरनेस से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है, थ्रिसुल पुरम इज़ अ फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। ये कौन से स्टेट का फेमस फेस्टिवल है? अगर आपको पता होगा थ्रिशूर जो है वो एक सिटी है, कहाँ की सिटी है? केरला की सिटी है। तो ये हमें यहाँ पर पता होना चाहिए, यानी यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैट इज़ केरला। केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? पिनराई विजयानन है, विजयानन है। ओके, ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। पिनराई विजयानन जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं? केरला के चीफ मिनिस्टर हैं। पी सदाशिवम जो है वो क्या है? गवर्नर हैं यहाँ के। सो पी सदाशिवम इज द गवर्नर ऑफ व्हाट? केरला। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पता होना चाहिए थी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हटा दीजिए पहले। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन बच गया 15 क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द बैंकिंग अवेयरनेस। मैंने लास्ट क्लास में आपसे पूछा था व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईएफटी। तो ईएफटी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र यानी किसी चीज़ को, किसी चीज़ को सेंड करना, भेजना। फंड का मतलब हो गया आपका क्या है यहाँ पर? मनी है। इलेक्ट्रॉनिक यानी यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? डिजिटल तरीके से। तो आई होप ये अच्छे से आप समझ गए होंगे। जब भी आप मनी का ट्रांसफ़र डिजिटली करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र बोला जाता है, जिसमें मोस्ट ऑफ़ द केसेस में बैंक की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो ऐसे जो ट्रांसफ़र होते हैं उनको ईएफटी बोला जाता है। बैंकिंग एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, उसमें क्या पूछा गया था? व्हाट डज़ ई स्टैंड फॉर? आपसे यहाँ पर ई पूछा जाएगा कि ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र यहाँ पर याद रख लेना है। देखते हैं आज का हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का क्या क्वेश्चन है। व्हेन बैंक इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्ट इट्स मनी इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन मार्केट टू अवॉइड रिस्क, व्हाट इज इट इज़ कॉल्ड? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, एक टाइप की बैंकिंग है ये, जिसमें बैंक क्या करते हैं? जनरल पब्लिक को देखो एक क्या कर सकता है, एक पूरा एक बैंक है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर सकता है? किसी एक पर्सन को, इंडिविजुअल को पैसा दे सकता है लोन के रूप में, या फिर वो क्या कर सकता है? गवर्नमेंट को पैसा दे सकता है। गवर्नमेंट को जब हम पैसा देते हैं, कोई भी बैंक अगर गवर्नमेंट को पैसा देता है, उसको क्या बोला जाता है? बैंक जो क्या कर रहा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसको ये बोला जाता है। अगर आप अपना पैसा किसी पर्सन के पास जा रहे हो, किसी पर्सन को लोन प्रोवाइड कर रहे हो, वहाँ पर क्या होता है? एनपीए जाने के चांसेस होते हैं कि आपका जो पैसा है वो डूब सकता है वहाँ पर। लेकिन अगर इन केस अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पर ऐसा कोई चांस नहीं होता है। ये क्या होता है? रिस्क फ्री होता है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? रिस्क फ्री बैंकिंग भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो भी यहाँ पर आपको वही करेक्ट आंसर बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज़ नैरो बैंकिंग। तो ये वाली जो बैंकिंग होती है जिसमें बैंक क्या करता है, किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है, यानी गवर्नमेंट को जहाँ पर नीड होती है वहाँ पर अगर अपना पैसा वो इन्वेस्ट कर रहा है बैंक, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम नैरो बैंकिंग बोलेंगे। आई होप ये वाली चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई है। अब यहाँ पर देखो क्या बात रह गई है। यहाँ पर जो हमारे सामने चीज़ें हैं, ग्रीन बैंकिंग क्या होती है? ग्रीन बैंकिंग भी पूछी जाती है। तो आप ग्रीन बैंकिंग क्या बता देंगी? जब हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली बैंकिंग करते हैं उसको क्या बोला जाता है? ग्रीन बैंकिंग बोला जाता है। ओके, सो एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो बैंकिंग होती है उसको ग्रीन बैंकिंग बोला जाता है। ऑफशोर बैंकिंग में क्या होता है कि बैंक एक्सेप्ट करता है हर एक कंट्री की करेंसी को। सो कोई भी करेंसी उसके पास आ जाए, वो सारी करेंसी को अगर एक्सेप्ट करता है तो उसको ऑफशोर बैंकिंग यहाँ पर बोला जाता है। अगेन यहाँ पर जो हमारे पास बच गया है वो है पैरा बैंकिंग।
पैरा बैंकिंग को मैं आज की क्लास में एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बतानी है कि पैरा बैंकिंग होता क्या है। सो इसको हम नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें डिस्कस करेंगे अच्छे से। इसके अलावा देखो, आपका करंट अफेयर अगर आप चाहते हैं पूरा रिवीजन करना, तो आज आप 50 MCQ लाइव टेस्ट जो आपको होने वाला है 4 PM, उसको आप अटेंड कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। ओके, सो आई होप आपको आज का सेशन यहाँ पर अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप यहाँ पर सेशन को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। Subscribe to ADA247 YouTube channel and press the bell icon for all the updates on latest videos.